नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर हर जगह डर बना हुआ है, ऐसे में विदेश से भारत लौट रहे लोग इस टेंशन को और अधिक बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विदेश से लौटे दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों यूके और कैनेडा से आए हैं। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। दोनों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री को जुटाने में लगी हुई है। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के अनुसार दोनों व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा गया है, साथ ही उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। तो वहीं कोविड के नए वेरियंट को लेकर तिवारी का कहना है कि जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का वायरस है। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर तिवारी का कहना है कि किसी भी संभावना को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता है। पढ़ते हैं अगली खबर पर। सरकार दूसरे डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए बुधवार को वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 10 नवंबर प्रत्येक बुधवार को शुरू हुआ था, जो आज 8 दिसंबर बुधवार को भी रहेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 25 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। एमपी में 95% से अधिक लोगों को पहला डोज लग चुका है, वहीं 75% से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुका है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास खंड एवं जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह, सामाजिक संस्थाओं, धर्मगुरुओं, कोरोना वॉलेंटियर्स, विद्यार्थियों और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इसी दौरान सिंधिया ग्वालियर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिंधिया कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बात करते हैं अगली खबर पर। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम 1-2 दिन में लागू होने की उम्मीद है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सिस्टम के अस्तित्व में आने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ अफसरों में चर्चा है कि IAS लॉबी के अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह ने इस ओर इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि इसी माह होने वाली IAS सर्विस मीट को स्थगित किए जाने की वजह कोरोना की संभावित तीसरी लहर मुख्य वजह नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। हीरो की नगरी पन्ना में एक बार फिर मजदूरों की किस्मत चमक उठी है। पन्ना में सोमवार का दिन मजदूरों के लिए 7 हीरो की चमक लेकर आया। दरअसल आज कृष्ण कल्याणपुर की एक उथली हीरा खदान में 4 मजदूरों को 7 हीरे मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा हीरा 13 कैरेट का है। 13 कैरेट का हीरा किसान मुलायम सिंह को मिला है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं इस 13 कैरेट के हीरे की कीमत 60 लाख रुपये आंकी जा रही है। एक ही दिन में मजदूरों को 7 हीरे मिलने के बाद पन्ना के लिए आज का दिन डायमंड डे साबित हुआ है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों को जो हीरे मिले हैं वह सर्वोत्तम क्वालिटी के हैं। इन सभी हीरों की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। वहीं करोड़ों के हीरे मिलने के बाद मजदूरों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बीते 2 दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई ज़बरदस्त बर्फबारी से पहाड़ों को बर्फ ने मोटी चादर से ढक लिया है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के भी उत्तर भारत से आगे बढ़ जाने के कारण हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की तरफ चल रही सर्द हवाओं के कारण वातावरण में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3-4 दिनों में मौसम में और अधिक शुष्कता आ जाएगी। यही कारण है कि 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले इस शीतलहर की चपेट में भी आ सकते हैं, जिसके चलते कुछ ज़िलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही ग्वालियर, चंबल, सागर संभागों के ज़िलों में कहीं कहीं कोहरा भी छा सकता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक मौसम शुष्क बना रहने से रात के तापमान में तेज़ी से गिरावट होने के आसार है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।